हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर सेक्शन बी इंडियन राइटर्स कमला दास की जो फर्स्ट जो पोईम है माय ग्रैंड मदर हाउस, उसकी स्टडी करते हैं। इस वीडियो में हम कमला दास की लाइफ हिस्ट्री और हर वर्क्स उसकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कमला दास हेल्स ऑन दी साउथर्न मालाबार इन केरला। कमला दास केरला के दक्षिण मालाबार तट में रही। सी वॉज बॉर्न ऑन March 31, 1934। उनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ। एंड रिसीव्ड हर एजुकेशन, और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की फॉर दी मोस्ट पार्ट एट होम, अधिकतर घर पर ही। सी वॉज सेंट टू 3 different schools। उन्हें 3 भिन्न भिन्न स्कूलों में भेजा गया, बट इन ईच ऑफ देम, लेकिन उनमें से प्रत्येक में सी स्टेट फॉर ए शॉर्ट वाइल, वो कुछ समय के लिए रुकी। दस इस तरीके से सी रिसीव्ड नो फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, और नो यूनिवर्सिटी डिग्री, और ना ही उन्होंने विश्वविद्यालय की कोई डिग्री ली। हाउएवर, यद्यपि सी स्टैंड्स ऑन हर ओन मेरिट, वो अपनी बुद्धि, मेरिट माने यहाँ पर गुण बुद्धि के बल पर खड़ी रही। एंड इज प्लेस ऑन द पिनल्स ऑफ रेपुटेशन अमंग द इंडो एंग्लियन पोइट्स, और आंग्ल भारतीय कवियों के बीच में वो मुख्य पिलर के रूप में है। उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो उच्च श्रेणी की है। बोथ हर पेरेंट्स वर पोइट्स, उनके माता पिता दोनों ही पोइट्स, कवि थे। एंड क्वाइट पॉसिबली, और ये बिल्कुल संभव था, सी इनहेरिटेड, कि उन्हें जन्मजात मिली दी पोइटिक टैलेंट, काव्यात्मक प्रतिभा, फ्रॉम देम, उनसे। सी वॉज डीपली अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ से बहुत अधिक प्रभावित थी। हर मेडन नेम वॉज माधवी कुट्टी, उनका मेडन होता है अविवाहित नाम माधवी कुट्टी था। एंड अंडर दिस नेम, और इसी नाम से सी रोट इन मलयालम, उन्होंने मलयालम भाषा में लिखा। एट दी एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में सी वॉज मैरिड टू मिस्टर दास, उन्होंने मिस्टर दास से शादी कर ली। एन ऑफिशियल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक अधिकारी थे बॉम्बे। शी डिड नॉट लाइक दी डोमेस्टिक ड्यूटीज, उन्होंने जो घरेलू जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको पसंद नहीं किया। एंड फाउंड लाइफ इनटॉलरेबल, और अपने जीवन को ऐसा नहीं है पाया। सी लिव्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वो महानगरों में रही, जैसे बॉम्बे, अब उसको मुंबई के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, दिल्ली, एंड देन सेटल एट त्रिवेंद्रम इन केरला, और उसके बाद केरला के वो त्रिवेंद्रम में रही। सी एस थ्री सन्स, उनके 3 बेटे हैं। समहाउ सी वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद हर मैरिड लाइफ, खैर वो अपने विवाहित जीवन से कभी संतुष्ट नहीं हुई, नेवर सेटिस्फाइड, कभी संतुष्ट नहीं हुई। ए फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले ही सी अडॉप्टेड इस्लाम, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया एज ए रिलीजन, धर्म के रूप में। एंड नाउ हर नेम इज सुरैया, अब उसका जो नाम है वो सुरैया है। अब उनकी रचनाएं देखिए, हर वर्क्स। सी हैज बीन ए प्रोलिफिक राइटर इन मलयालम, वो मलयालम की उत्कृष्ट श्रेणी की, प्रोलिफिक माने होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट श्रेणी की लेखिका थी। एंड हैज प्रोड्यूस मोर देन ए डजन बुक्स और ऑफ पोइट्री, और उन्हें कविता की दर्जनों किताबें लिखी। एंड शॉर्ट स्टोरीज और लघु कहानियाँ इन हर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में, अर्थात मलयालम में। सी हैज पब्लिश 3 books ऑफ पोइम्स इन इंग्लिश, उन्होंने 3 कविताएं अंग्रेजी की भी प्रकाशित की है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। एंड 1 in collection एंड कोलैबोरेशन, और 1 उन्होंने
दूसरे कवि की सहयोग से प्रकाशित की है। ये दीज बुक्स आर, ये किताबें हैं समर इन कैलकटा, जो 1965 में प्रकाशित हुई है। ये उनकी कविताओं का संग्रह है। दी डेसेंडेंट्स 1967 में प्रकाशित हुई, और तीसरी जो है दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स 1973 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा चौथी टू नाइट, दी सेवेज राइट इन कोलेबरेशन विद ब्रिटिश नंदी, ये उन्होंने ब्रिटिश नंदी की मदद से प्रकाशित की। ए कलेक्शन ऑफ दियर लव पोइम्स, ये उनकी प्यार की कविताओं का संग्रह है। शी रोट एक्सटेंसिवली फॉर वेरियस पॉपुलर मैगजीन्स, उन्होंने विभिन्न प्रकार की मैगजीन्स के लिए भी लिखा। एंड पेरियोडिकल्स और पाक्षिक, जिनमें से हैं द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया, नाम है मैगजीन्स का द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया, पोएट्री ईस्ट एंड वेस्ट, ओपिनियन, डेवोनियर, ईव्स वीकली, फेमिना, इम्प्रिंट, राउंड टेबल, लव एंड फ्रेंडशिप, ये सब कुछ उनकी मैगजीन्स थी। हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज ए बुक ऑफ स्टार्क रियलिटी, उनकी आत्मकथा है माई स्टोरी, जो कि बहुत अधिक फेमस हो गई क्योंकि ये उसकी वास्तविकता के बारे में है। सी ऑल्सो पब्लिश ए नॉवल, उन्होंने एक उपन्यास को भी प्रकाशित किया जिसका नाम अल्फाबेट ऑफ लस्ट था, विच इज ऑल अबाउट लव एंड सेक्स, जो लव और सेक्स के बारे में था। ए थीम मोस्ट सुटेबल फॉर कमला दास, जो कि ऐसी विषय वस्तु है जो कमला दास ने सबसे ज़्यादा लिखा है। टू हैंडल इन 1995 में वॉज पब्लिश द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हर मलयालम, 1995 में उन्होंने अपनी जो मलयालम जो कविताएं थी उनका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। शॉर्ट स्टोरीज दी सैंडल ट्रीज एंड अदर स्टोरीज ट्रांसलेटेड बाय वीसी हैरिस एंड सीएम मोहम्मद उमर दिशा, ये इनके द्वारा उसकी जो कविताएं थी उनका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। अब हम इस कविता की माय ग्रैंड मदर हाउस जो है उसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द पोइम माय ग्रैंड मदर हाउस, दिस पोइम माय ग्रैंड मदर हाउस वाज फर्स्ट पब्लिश, पहली बार प्रकाशित हुई इन कमला दास समर इन कैलकटा, कमला दास की समर इन कैलकटा में, जो 1965 में प्रकाशित हुई है। इसकी कविताओं का संग्रह है। इन दिस पोइम, इस कविता में कमला दास वॉक्स डाउन मेमोरी लेन, कमला दास जो है वो अपनी अतीत, मेमोरी लेन माने होता है अतीत में जाती है, एंड रिमेम्बर्स और याद करती है हैप्पी टाइम्स, अपने सुखद दिनों का ऑफ दी पास्ट, भूतकाल के। सी थिंग्स, वो सोचती है अबाउट दी पास्ट, भूतकाल के बारे में, इन ए फॉन्ड वे, अच्छी तरीके से, मतलब वो अपने भूतकाल के जो सुखद दिन थे उनके बारे में सोचती है। सी टेक्स ए नॉस्टैल्जिक स्ट्रॉल, नॉस्टैल्जिक स्ट्रॉक मैंने वही अतीत में जाना, डाउन मेमोरी लेन, वो अतीत की यादों में चली जाती है। हेयर सी पोर्ट्रेट्स, और वो चित्रण करती है यहाँ पर हर हैप्पी, अपने सुखद एंड केयर फ्री लाइफ, बेपरवाह जीवन का, एज ए चाइल्ड, बच्चे के रूप में। सी विशेष, वो इच्छा करती है टू रिटर्न टू मालाबार, कि वो मालाबार तट लौट जाए, जबकि वो कहाँ रह रही है, मेट्रोपोलिटन सिटी, महानगरों में रह रही है, और वहाँ उसे वो प्यार नहीं मिल रहा है जो उसकी दादी माँ के घर पर मिला। वेयर सी लिव्ड इन अ चाइल्डहुड, जहाँ वो अपने बचपन में रही थी, इन दी पेरेंटल होम, अपने माता पिता के घर में, अंडर दी केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ की केयर में, उनकी रखरखाव में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने कमला दास की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, और जो उनकी कविता माई ग्रैंड मदर हाउस है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।